लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के आदेश पर अगर हमें प्रताड़ित किया जाएगा तो लाठी खाने के लिए बैठे हुए हैं, सरकार लाठी भी चला दे। लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे तो है नहीं, लेकिन जितनी सहन शक्ति है उतना सहन शक्ति रख के यहाँ पर बैठे हैं। हम तो फकीर की तरह सड़क पर बैठे हैं सर, जहाँ जगह मिलेगा सर छुपाने के लिए हम वहां से प्रदर्शन शुरू करेंगे, लेकिन आवाज चलती रहेगी और आप जैसे मीडिया का सहयोग मिलता रहेगा तो हम आवाज अपनी उठाते रहेंगे। ये तो प्रताड़ना है, बिहार सरकार की प्रताड़ना आपके सामने है, किस तरह से नौजवान बेरोजगारों पर लाठी प्रहार हो रही है, प्रशासन के द्वारा इस तरह के प्रहार हो रहे हैं। आवाज को दबाने का जो तुगलकी फरमान है, ये जो ब्रिटिश काल हुकूमत में होता था वही इस समय इनके काल में हो रहा है। नौजवान पीड़ित शोषित अगर कोई बेरोजगार अगर सरकार के समक्ष अपनी बात को नहीं रख सकता है तो आखिर वो जाए तो कहां जाए। एक सप्ताह पहले मुलाकात हुई थी लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, हम लोग आज मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठे। प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी टेट सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। इनकी मांग है कि प्रारंभिक शिक्षक बहाली यानी 94,000 जो शिक्षक बहाली चल रही है उसमें महिला की काफ़ी सीटें खाली बच गई है, उन सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों को सरकार बहाल करे। लेकिन सरकार जो है ऐसा नहीं करना चाहती है। शिक्षा मंत्री ने साफ महिला के सीटों पर पुरुष की बहाली करने से मना कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थी कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि और ऐसा हो भी चुका है 2016 के तहत, 2016 में महिला के खाली सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों की बहाली हुई है। अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि जैसा 2016 में हुआ है वैसा ही 2021 में भी हो और महिला खाली सीटों पर पुरुष अभ्यर्थी की बहाली हो। आप देख रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी JDU ऑफिस के सामने कल से बैठे हुए हैं। ये JDU ऑफिस है और ये शिक्षक अभ्यर्थी कल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर सरकार जो है इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। मंत्री अंदर अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक ऑफिस से कोई इनसे मिलने नहीं आया है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एजुकेशन जगत। थैंक यू, धन्यवाद।